गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होपिंग यू ऑल आर फाइन. टुडे आई विल टीच यू एस एस टी एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. द नेम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड टू टेरिटरी मीन्स कि ट्रेड यानी कि व्यापार से लेकर के टेरिटरी तक, कि जो इंडिया में व्यापार करने आए थे उन्होंने इसकी टेरिटरी पर यानी कि इसके रीजन पर कैसे कब्जा कर लिया. तो हम लोग जो इस चैप्टर में स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो है कि कैसे एज अ ट्रेडर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में आए थे और इंडिया की टेरिटरी तक उन्होंने कैसे ऑक्यूपाई कर लिया था, कैसे कब्जा कर लिया था. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 11 पर. अराइवल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कैसे इंडिया में अराइवल हुआ, कैसे उसकी जो है पहुँचे या प्रवेश कैसे हुआ. तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. और ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर कंपनी थी. ट्रेडर कंपनी का मतलब है एक व्यापारिक कंपनी थी. ये व्यापार करने वाली एक कंपनी थी. और इसने क्या है, एक चार्टर इसको मिल गया था. चार्टर किससे मिला था? रॉयल चार्टर इसको मिला था. इट रिसीव्ड रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ. तो क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी थी. ये ट्रेडर कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी. कहाँ की थी बेटा? इंग्लैंड की थी. और इस ट्रेडर कंपनी को चार्टर मिल गया था. ये चार्टर क्या होता है? ये चार्टर का परमिशन मिल गई थी कि इंग्लैंड से, यही एकमात्र कंट्री है, चार्टर मिल गया था किस चीज़ का? टू डू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज. जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे ट्रेड करने का इसको क्या मिल चुका था? चार्टर मिल चुका था. चार्टर का मतलब होता है कि परमिशन मिल चुकी थी कि वो ईस्ट इंडीज से, यानी कि ईस्ट इंडीज़ यानी ईस्टर्न जो ईस्टर्न साइड में जो हमारी कंट्री आती है उससे इसको ट्रेड करने की क्या मिल चुकी थी? परमिशन मिल चुकी थी. तो चार्टर का मतलब है कि परमिशन लेना, रॉयल परमिशन मिल चुकी थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. अब ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, यूरोप कॉन्टिनेंट से, लेकिन इंग्लैंड से तो एकमात्र ये कंट्री नहीं आई थी. एक इंग्लैंड से जो वन एंड ओनली जो कंपनी थी जो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. लेकिन जब ये यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करने आए तो इनके साथ साथ में और दूसरी कंपनीज़ भी थी. और दूसरी कंपनीज़ कौन कौन सी थी? जैसे डच है, पोर्टुगीज़ है, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज़. और जो दूसरे लोग थे वो कौन थे? पोर्टुगीज़. तो इस तरीके की ये अदर कंट्रीज़, ये अदर कंपनीज़ भी थी जो कि इंडिया में ऑलरेडी क्या कर रही थी? ट्रेड कर रही थी. और ये लोग ट्रेड करने क्यों आए थे इंडिया में? इंडिया में क्या ऐसी चीज़ें फेमस थी जिसकी वजह से ये ट्रेड करने आए थे? इंडिया में ये जो ट्रेड करने आए थे ये आए थे फॉर द स्पीसीज, जिसके लिए हमारा इंडिया काफ़ी फेमस था. यहाँ के जो मसाले हैं और उनका बहुत बड़ा यूरोप में मार्केट था. तो यहाँ पर ये मसाले के लिए स्पेशली आए थे. तो ब्रिटिश लोग तो आए थे, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. और इंग्लैंड से एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल, सॉरी यहाँ पर मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार मिल चुका था कि वही इंडिया में जाकर के ट्रेड करेंगे. लेकिन अदर यूरोपियन कंट्री यानी कि यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज थी उनकी कंपनी भी यहाँ पर
ट्रेड करने आई थी। और जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि इनका भी कुछ अधिकार है, कुछ पोर्ट सेंटर है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या होता है बेटा कि जब ट्रेड हो रहा था, जब पहले सबसे पहले डच आए, पोर्टुगीज आए, फिर फ्रेंच आए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। तो जो प्राइस थी वो क्या होने लगी, डाउन होने लगी। लाइक जब अगर एक ही कंपनी किसी चीज़ को ख़रीद रही है तो वो क्या करेगी, उसको हाई प्राइस पे लेगी, क्योंकि उसको ख़रीदने वाला इंडिया में कोई नहीं था। लेकिन जब कॉम्पिटिटर बढ़ने लगे, जब उन मसालों को एक के बजाय दूसरा ख़रीदने लगा, तीसरा ख़रीदने लगा, तो वो सेकंड वाला क्या कहेगा कि भाई मैं उससे क्या दूंगा, आपको हाई प्राइस दे दूंगा, तो मुझे तो वो डिमांड के साथ साथ में प्राइस भी बढ़ने लगी। लेकिन डिमांड के साथ प्राइस तो बढ़ने लगी, लेकिन उसका प्रॉफिट उनको कम होने लगा। अब कैसे, देखो प्राइस बढ़ी, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ उनको, प्रॉफिट कम होने लगा। अब इसका क्या मतलब है भाई, पहले जो डच लोग थे, डच आ रहे थे, वो अगर यहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं, इंडिया से स्पाइसेस वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो अपनी ही प्राइस पर खरीद रहे हैं, उनकी फिक्स प्राइस है कि मुझे इस प्राइस पर लेना है। अब क्या है, उसको कम पैसे में खरीद रहे हैं और वो अपनी कंट्री में जा करके उसका मनचाहा प्रॉफिट बना रहा है। सेकंड कंपनी आ गई, अब उसका कोई कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है, अब उसको उस गुड्स के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और प्रॉफिट उसको वहाँ पर कम मिल रहा है। यहाँ पर पहले वो अकेला था, जब उसको क्या देना पड़ रहा था, कम पैसों में भी वो गुड्स खरीद सकता था, ले सकता था, लेकिन एक ही चीज़ पर दोनों कंट्री को ये सामान खरीदना है कि मुझे भी ये चीज़ लेनी है और वो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी ये स्पाइसेस लेने हैं, तो क्या हो रहा है, तो वो कम पैसों में भी ज़्यादा पैसे दे करके खरीदेंगे कि नहीं मुझे तो लेना है, ज़्यादा पैसे दे करके खरीदेंगे। लेकिन पहले वो क्या खरीद रहे थे, कम पैसों पर खरीद रहे थे और वो वहाँ जा करके उनको प्रॉफिट कितना मिला था, जैसे सपोज़ करो अगर कोई चीज़ यहाँ पर वो 5 रुपये में ख़रीद रहे हैं और वहाँ जा करके उसका प्रॉफिट उनको वो 15 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब क्या है, कॉम्पिटिटर बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई, तो अब वो 5 रुपये में क्यों देगा, अब उनको वो चीज़ कितने रुपए में मिल रही है, वो उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कितना पे कर सकते हैं, 10 रुपीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट उनको वहाँ पर 15 रुपीज़ ही मिल रहा है, तो 5 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो इस तरीके से उनका प्रॉफिट डाउन चला गया। अब हम जो इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं या इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करी, इन सब लोगों से जो उनका वॉर हुआ, क्योंकि ये इंडिया में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने आई थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये बाकी कंपनीज भी इंडिया में ट्रेड कर रही है, तो इनको इन्होंने वॉर करके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर करके इनको इंडिया से भगा दिया। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार रीड आउट करते हैं। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंडन मर्चेंट्स। लंदन के मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनको क्या दे दिया, परमिशन दे दी, चार्टर दे दिया कि तुम इंडिया में जाकर के क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। होपिंग टू द ब्रेक डच मोनोपोली ऑफ द स्पाइस ट्रेड इन व्हाट इज नाउ इंडोनेशिया। ये उम्मीद कर रहे थे कि डच का जो मोनोपोली था, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, सिंगल इनका जो राइट था, जो इंडियन मसालों पर, यानी कि सबसे पहले डच लोग आए थे, कि इंडियन मसालों का ट्रेड करने का जो अधिकार डच लोगों का है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देगी, तोड़ देगी। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन द फोकस ऑफ द कंपनी वॉज ट्रेड। लेकिन जब इंडिया जब ये कंपनी आई थी, तो उस सेंचुरी में, यानी कि जो 17th सेंचुरी में जब आई थी, तो ड्यूरिंग हाफ जो फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ऑपरेशन, जब ये यहाँ पर आई, तो इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर था, ट्रेड पर ही था, कि सब सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार को मतलब ट्रेड को ही इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, नॉट अ बिल्डिंग ऑफ एन एम्पायर इंडिया। वो इंडिया में किसी तरीके का एम्पायर या साम्राज्य बनाने नहीं आई थी। इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली इंगेज इन हॉस्टिलिटी विद द डच एंड पोर्टुगीज। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटा, हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है एनिमी, यानी शत्रुता, दुश्मनी। तो इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रिक्वेंटली एंगेज, यानी कि कंटिन्यू एंगेज रहे, बिजी रहे इन द हॉस्टिलिटीज़, यानी कि एनिमिटी,
इसका मतलब क्या होता है? इनिमिटी, और हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? शत्रुता। तो ये लोग क्या रहे उसमें, उनके साथ दुश्मनी में बिजी रहे डच और पोर्टुगीज के साथ। काउंटर पार्ट्स इन द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन में उनके काउंटर पार्ट्स थे, उनके समकक्ष थे, उनके सामने वाली पार्टी थी, उनके बराबर थे। तो ये डच और पोर्टुगीज जो कि इंग्लिश ट्रेडर्स के बराबर थे, समकक्ष थे, उनके साथ कंटिन्यू ये शत्रुता में बिजी रहे। वो तो एक ही बात है ना कि अगर कोई दोनों ही कंपनी एक ही चीज़ पर खरीदना चाहती है, उसे प्रॉफिट बनाना चाहती, तो हर कोई चाहता है कि जो मेरा काउंटर पार्ट है या मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मैं उसको हटा दूँ। और वो इस तरीके से उनसे हमेशा एनिमिटी में बिजी ही रहता था। द कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्टुगीज इन द बैटल ऑफ द स्वैली इन 1612। कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्टुगीज से विक्ट्री मिल गई, जीत मिल गई, कौन से बैटल में? 1612 के बैटल था, स्वैली के बैटल में। स्वैली का बैटल था इन 1612। किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज के बीच में हुआ था। एंड इन दिस बैटल, स्वैली के बैटल में, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या मिली? जीत मिली। एट द स्वैली इन सूरत, और ये स्वैली कहाँ है? सूरत में। द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द फैसिबिलिटी ऑफ गेनिंग द टेरिटोरियल फुटहोल्ड इन द मेनलैंड इंडिया। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया, जब इसका जो कॉम्पिटिटर है वो ख़त्म हो चुका था, तो इसने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने टेरिटोरियल फुटहोल्ड, यानी कि यहाँ पर वो पैर जमाना शुरू कर देगी, यानी यहाँ के मेनलैंड पर, यहाँ की ज़मीन पर वो रूल करना स्टार्ट कर देगी विद द ऑफिशियल सेंक्शन फ्रॉम द बोथ ब्रिटेन एंड द मुगल एम्पायर। यानी कि उनको मुगल एम्पायर से भी ऑफिशियल सेंक्शन मिल चुका था। सेंक्शन का मतलब होता है मंजूरी मिल चुकी थी। उस टाइम पर जो मुगल पीरियड था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, तो वो वहाँ से तो चार्टर लाए ही थे, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने तो उनको परमिशन दे ही दी थी कि आप लोग ईस्ट इंडीज़ में जा कर के क्या कर सकते हो, और ट्रेड कर सकते हो। ओनली दिस कंपनी, यही कंपनी वहाँ पर जाकर के क्या करेगी? ट्रेड करेगी। कौन सी कंपनी? इंग्लैंड की कंपनी थी, ठीक है। उनको वहाँ से तो चार्टर मिला ही है, और जब यहाँ पर आए, और मुगल एम्पायर, यहाँ पर मुगल साम्राज्य था, जब कंपनी यहाँ पर आई तो मुगल एम्पायर से भी इन्होंने परमिशन ले ली अपनी कंपनी सेट करने का। तो इस तरीके से इनको दोनों तरफ से ऑफिशियल सेंक्शन मिल चुका था, ऑफिशियल मंजूरी मिल चुकी थी अपने पैर जमाने की। एंड रिक्वेस्टेड दैट द क्राउन लॉन्च अ डिप्लोमेटिक मिशन इन जो इन 1612 में क्या हुआ? जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टर सर थॉमस राव टू विजिट द मुगल एम्परर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर के बेटे थे, उसके कोर्ट में सर थॉमस राव आए थे 1612 में, और मुगल एम्परर जहांगीर और सर थॉमस राव के बीच में एक ट्रेड ट्रिटी हुई, मतलब एक व्यापारिक समझौता हुआ। उसके अंदर इनको परमिशन दे दी गई, क्या दिया कि कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है कुछ खास अधिकार दे दिए गए। किसको दे दिए गए? कंपनी को दे दिए गए। टू अरेंज ऑफ अ कमर्शियल फॉर अ कमर्शियल ट्रिटी दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट टू रिजाइड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत। यानी कि जब जहांगीर से सर थॉमस रॉय की कमर्शियल ट्रिटी हुई, कमर्शियल ट्रिटी का मतलब एक व्यापारिक समझौता हुआ 1612 में, तो मुगल एम्परर ने उनको परमिशन दे दी टू रिजाइड एंड सेट कंपनी इन सूरत, की आप सूरत में कंपनी सेट कर सकते हो और सूरत में रह सकते हो। तो इस तरीके का एक्सक्लूसिव राइट, यानी कि खास अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड द एम्परर विद गुड्स एंड रेरिटीज फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। बदले में जब मुगल एम्पायर ने उनको ये एक्सक्लूसिव राइट दिए टू सेट अप कंपनी इन सूरत एंड रिजाइड, तो बदले में कंपनी ने उनको क्या दिया कि जो रेरिटीज गुड्स थे, यानी कि जो इंडिया में जो सामान नहीं मिलता था, जो रेज बड़े ही दुर्लभ, यानी कि बहुत रेयर चीज़ें जो मिलती हैं यूरोप के मार्केट में, वो प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया किनको? एम्परर को, यानी कि सम्राट को। दिस मिशन वॉज हाईली सक्सेसफुल, और ये जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। वो कंपनी उनकी बहुत अच्छी चल पड़ी जो सूरत में उन्होंने सेट की, और वो उनको गुड्स का लालच दे करके अपना ट्रेड जो है वो एक्सपेंड किए जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे इंडिया में। एंड जहांगीर सेंट अ लेटर टू जेम्स थ्रो सर थॉमस राव, और जहांगीर ने भी एक लेटर किसको भेज दिया? जेम्स को। जेम्स कौन था? जेम्स जो कि वहाँ का किंग था, उसको वहाँ पर लेटर भेजा किसके ज़रिए? सर थॉमस रॉय के ज़रिए, कि जिस तरह से हमारी ये ट्रीटी हुई है। तो बात समझिए इस चैप्टर में क्या कहने को आ रहा है, कि सबसे पहले कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर मिला,
चार्टर मिला तो ये यहाँ पर कंपनी ट्रेड करने आई, लेकिन पहले वो ट्रेड करने ही आई थी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर रूल करने का। लेकिन उन्होंने पोर्टुगीज से एक बैटल लड़ा, स्वैली का बैटल था, और पोर्टुगीज को हरा दिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने फुटहोल्स टेरिटोरियल फुटहोल्स यानी कि क्षेत्रीय मुद्दा पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। और उनको दोनों साइड से ऑफिशियल सैंक्शन मिल चुका था, बोथ साइड मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ से भी उनको रॉयल चार्टर मिल चुका था, और मुगल एम्परर से भी क्या मिल चुकी थी, एक एक्सक्लूसिव राइट्स मिल चुके थे। एक्सक्लूसिव राइट्स कौन कौन से थे बेटा, टू सेटअप फैक्ट्री और टू सेटअप कंपनी इन सूरत एंड अदर एरिया एंड टू रिजाइड दया। और बदले में उन लोगों ने जो कंपनी थी उन्होंने एम्परर को क्या दिया, मुगल एम्परर को जो रेरिटीज़ थे, ये रेयर गुड्स थे ऑफ यूरोपियन मार्केट, वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, नाउ टेक आउट पेज नंबर 12। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बुक ज़रूर खोल के बैठें, और बुक में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे रीड भी करें। द कंपनी विच बेनिफिटेड फ्रॉम द एम्पायरियल पैट्रोनाइज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी विच बेनिफिटेड, बेनिफिटेड का मतलब है जिसको फ़ायदा हो रहा था, किससे, फ्रॉम द एम्पायरियल पैटोनेज, एम्पायरियल पैटोनेज का मतलब है शाही, शाही मतलब रॉयल संरक्षण से, रॉयल संरक्षण का मतलब यह है कि उनको जो चार्टर मिल चुका था, जो परमिशन मिल चुकी थी, एक तरफ से तो उनको ये फ़ायदा हो रहा था, चार्टर देने का मतलब यह था कि इंग्लैंड से और कोई कंपनी ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने नहीं जाएगी, तो सिर्फ जो परमिशन मिली वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिली थी कि वो जो ट्रेड करने जा रही इंडिया में सिर्फ यही कंपनी जाएगी। तो इस तरीके से उनको एम्पायरल पैटोनेज का फ़ायदा मिल रहा था। सून एक्सपेंडेड इट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशन, धीरे धीरे इसने अपना ट्रेडिशन, कमर्शियल ट्रेडिशन बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। एक तो फ़ायदा था ना कि इंग्लैंड से और कोई कंपनी आएगी नहीं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, आएगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करने आएगी, लेकिन यूरोप की दूसरी कंट्रीज से कंपनी आई हुई थी, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है इंग्लैंड, यूरोप से दूसरी कंट्रीज़ की तो आएंगी, जैसे एशिया में दूसरी कंट्री से इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, अब यहाँ से अलग अलग देशों से, इस एशिया कॉन्टिनेंट से तो दूसरे दूसरे देशों से कंपनीज जा रही है, लेकिन इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी जाएगी। इसी तरीके से ही जो यूरोप कॉन्टिनेंट था उसमें जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से तो कंपनी आई, लेकिन इंग्लैंड से सिर्फ एक ही कंपनी आई। तो इंग्लैंड से जो एक ही कंपनी आई क्यों आई, क्योंकि इसने चार्टर रिसीव कर लिया था, और इस चार्टर से इसे एम्पायरल पैटोनेज यानी कि शाही संरक्षण मिल चुका था। फिर एक तरफ से तो ये फ़ायदा हो रहा था, दूसरी तरफ अब इसने क्या किया, अपना कमर्शियल ट्रेडिंग एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। इट एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड एक्लिप्स, सन एक्लिप्स ये सब हमने सुना है, तो एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना, ग्रहण लगाना यानी कि रोक लगा देना। इट एक्लिप्स्ड द पोर्टुगीज एस्तोदो द इंडिया, ये क्या थी कंपनी का नाम है, कौन सा नाम है बेटा, पोर्टुगीज एस्तादो द इंडिया, ये एक पोर्टुगीज कंपनी का नाम था, ये क्या था बेटा, पोर्टुगीज कंपनी का नाम था, और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी का नाम था, एक इंग्लैंड की कंपनी का नाम था। तो कंपनी ने क्या किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक्लिप्स्ड किया, एक्लिप्स्ड का मतलब होता है कि इस कंपनी पर ग्रहण लगा दिया। पहले तो इसे तो वॉर में हरा ही चुके था, स्वैली के जो बैटल हुआ था उसमें हरा ही चुका था, तो इनकी कंपनी पर ग्रहण लगा दिया यानी कि रोक लगा दी। विच हैड इस्टेब्लिश बेसिस इन गोवा, जिसने अपने जो बेस है, जो आधार है, यानी कि जो अपने सेंटर है कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रखे थे, गोवा में एंड द चिटगांव एंड बॉम्बे में। विच पोर्टुगल लेटर सीडेड टू इंग्लैंड, और ये जितने भी विच पोर्टुगल लेटर इन्होंने क्या किया, इन सेंटर्स को, कौन कौन से सेंटर को, गोवा, चिटगांव और बॉम्बे, ये तीन सेंटर किसके से है बेटा, पोर्टुगीज एस्तोदो इंडिया कंपनी के, यानी कि पोर्टुगीज कंपनी के। लेकिन बाद में इन सेंटर्स को सीडेड कर दिया, सीडेड का मतलब क्या होता है, एस
ई डी ई डी सीडेड का मतलब होता है सौंपना, यानी कि दे देना। ठीक है, तो दे दिए, किसको दे दिए, किसको सौंप दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। भाई जो पोर्टुगीज कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज कंपनी पर एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगा दिया, रोक लगा दी। और इस कंपनी ने क्या किया, जो अपने सेंटर थे, पोर्ट सेंटर थे, जैसे कि गोवा है, चिटगांव है, बॉम्बे है, इन सभी को सीडेड कर दिया, सौंप दिया। किसको सौंप दिया, इंग्लैंड को, एज पार्ट ऑफ डॉवरी। किसे, कैसे सौंप दिया, दहेज के फॉर्म में सौंप दिया, ऑफ द कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा ऑन हर मैरिज। किसके, एक मैरिज की थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के, दहेज में दे दिया, ऑन हर मैरिज टू किंग चार्ल्स सेकेंड। किंग चार्ल्स सेकेंड कौन थे, इंग्लैंड के किंग थे। तो जब पोर्टुगीज की जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से उन्होंने शादी कर ली थी, तो उनके दहेज के फॉर्म में ये जो सारे सेंटर थे, जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ये कंपनी को दे दिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो लॉन्च द जॉइंट अटैक विद द डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ चाइना विच हेल्प सिक्योर EIC पोर्ट्स इन चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑल्सो क्या किया, एक जॉइंट अटैक किया, किसके साथ में मिलकर के, डच के साथ में मिलकर के, यानी कि डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया एक डच कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी और डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी डच की थी। तो इस तरीके से डच के साथ में मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज के शिप पर और स्पेनिश के शिप पर क्या किया, अटैक किया। कहाँ पर, द कोस्ट ऑफ चाइना विच हेल्प सिक्योर, जिसने क्या किया, सिक्योर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पोर्ट्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे उनको सिक्योर कर दिया, मतलब सेफ कर दिया इनके ट्रेड के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कमर्शियल ट्रेड को बढ़ा रही थी, वन बाय वन इन सब के पावर को क्या कर रही थी, वो ख़त्म कर रही थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाइर्सली कॉम्पिटिटिव विद द डच एंड फ्रेंच थ्रू आउट द 17th and 18th century। अब क्या हुआ था, पोर्टुगीज को तो इसने ख़त्म कर ही दिया था, डच और फ्रेंच के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू 17th and 18th century में क्या रही, बिजी रही इनके साथ में, कॉम्पिटिटिव यानी कि कॉम्पिटिशन में, ओवर स्पाइसेस फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड, यानी कि ओवर स्पाइसेस, ओवर स्पाइसेस का मतलब है कि मसालों वाले व्यापार, स्पाइसेस यानी कि मसाले, और ये मसालों का ट्रेड करने आए थे, कि ये पूरा 17th and 18th century में इन दोनों कंपनी से कंपटीशन लड़ती रही, किस पर, स्पाइसेस पर, मसालों पर। स्पाइसेस एट द टाइम कुड ओनली बी फाउंड ऑन द दीज आइलैंड, और स्पाइसेस जो थे वो ईस्ट इंडीज आइलैंड पर ही मिलते थे। और स्पाइसेस कौन कौन से थे, जैसे पेपर है, जिंजर है, नटमैग है, क्लोव है, एंड द सिनेमम है, ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो इंडिया के और ईस्ट इंडिया के आसपास ही मिलते थे। और इन चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा था डच और फ्रेंच कंपनी से। द टेंशन वॉज हाई बिटवीन द डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडीज, जो डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडीज थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी, यानी कि ये लोग कॉम्पिटिटर हो चुके थे एक दूसरे के, और ये दोनों ही चाहते थे कि हम लोगों को क्या मिले, जितना भी अधिकार है वो हमारा ही, स्पाइसेस सेंटर पर हमारे ही, क्योंकि हम ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मसाले खरीदें और अपनी कंट्री में जाकर के बेचें और प्रॉफिट कमाएं, कि भाई ये नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदने लगे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ती गई, ये कॉम्पिटिशन बढ़ता गया। दैट इज़ एस्केलेटेड, एस्केलेटेड का मतलब है बढ़ना, और ये जो टेंशन है वो बढ़ता गया इनटू द लास्ट 4 एंग्लो डच वॉर्स। तो एंग्लो डच वॉर का मतलब है कि इंग्लैंड के लोगों में और डच कंपनी में, इंग्लैंड कंपनी और डच कंपनी के बीच में 4 वॉर हुए थे। वो वॉर कब कब हुए, 1652 से 1654 फर्स्ट, 1665 तो डच और एंग्लो डच वॉर कितने हुए, 4 एंग्लो डच वॉर 4 हुए थे, जो 1652 से 1654 1665 टू 1667 थर्ड जो था 1672 टू 1674
और फिर 1782-1784, ये टोटल 4 वर्ड्स हुए थे इन दोनों के बीच में, एंड बोथ वांटेड टू गेट मोनोपोली ऑन स्पाइसेस, यानी कि मसालों पर ये क्या चाहते थे, मोनोपोली चाहते थे कि हमारा एकाधिकार हो जाए ओवर स्पाइसेस की मसाले लेने पर और हम ही अपना प्रॉफिट बनाते रहें। द डच कंपनी मेंटेन दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वॉर, कि जो डच कंपनी थी उसको जो फ़ायदा जो होता था स्पाइसेस से, जो मसालों से जो फ़ायदा होता था वो वॉर पे खर्च कर देती थी, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए भी तो क्या चाहिए, आर्मी चाहिए और वीपन्स वगैरह चाहिए। विच केम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस प्रॉफिट, जो कि ट्रेड से आते थे यानी कि व्यापार से आते थे और जो प्रॉफिट से आते थे, उन सभी प्रॉफिट को जो डच कंपनी है वो वॉर कॉस्ट पर यानी कि जो वॉर में जो खर्चा आता था उस पर लगा देती थी। कॉम्पिटिशन अराउज इन 1635 when Charles I granted a trading license to Sir William Cotton which permitted the rival cotton association to trade with the East at any location in which the CIEIC, EIC का मतलब क्या होता है, East India Company। तो यहाँ पर है कि competition बहुत ज़्यादा कब बढ़ गया था, 1635 के अंदर जो Charles I थे, चार्ल्स फर्स्ट कहाँ के थे, ये किंग थे ब्रिटेन के, ग्रांटेड अ ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम कॉटिन, इन्होंने एक ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया था किसको, सर विलियम कॉटिन को, कि आप ट्रेड कर सकते हो, विच परमिटेड, और उस लाइसेंस में क्या परमिशन दिया गया था कि ये राइवल कॉटिन एसोसिएशन टू ट्रेड विद द ईस्ट एट एनी लोकेशन, कि ये ईस्ट के किसी भी लोकेशन में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकता है, इन विच ई आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नो प्रेजेंस, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, कोई उपस्थिति नहीं रहेगी। सॉरी, ये चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो इंग्लैंड के नहीं, ये डच के थे। तो इन्होंने क्या किया, परमिशन दे दी सर विलियम कॉटिन को कि ये ईस्ट में जाकर के कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इन दोनों में ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, डच में और इंग्लैंड में। इन एन एक्ट एम्ड एट द स्ट्रेथनिंग द पावर ऑफ ई आई सी, किंग चार्ल्स सेकंड ग्रेडेंट द ई आई सी द राइट टू ऑटोमनस टेरिटोरियल एक्विजिशन टू माइंट मनी टू कमांड फोर्ट्रेसेस एंड ट्रूप्स एंड फ्रॉम द अलायंसेस। इसका मतलब ये है कि इनको जो दूसरी जगह, एक तो ट्रेड के अलावा क्या दिया इन्होंने, इन एन एक्ट एम्ड एट द स्ट्रेथनिंग द पावर ऑफ द ईआईसी, एक एक्ट था, एक कानून था, इन एन एक्ट यानी कि एक कानून जिसका उद्देश्य था एट द स्ट्रेथनिंग द पावर ऑफ द ईआईसी, कि उस एक्ट से ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो मजबूत हो रहा था। किंग चार्ल्स सेकंड ग्रांटेड द, और किंग जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने ग्रांट कर दिया, प्रदान किया द ई आई सी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन अ सीरीज ऑफ 5 एक्ट्स अराउंड 1670, यानी कि 1670 की बात है, जब उनमें एक ग्रांट किया, एक कानून उनको हाथ में दिया, वो क्या था, द राइट टू ऑटोमनस टेरिटोरियल एक्विस्टेशन टू मिंट मनी, यानी कि वो मनी, मिंट मनी यानी कि मनी है उसको क्या करेंसी बना सकते हैं, टू कमांड फोर्ट्रेसेस एंड ट्रूप एंड फ्रॉम अलायंसेस, यानी कि वो अलायंसेस करके, संधि करके ट्रूप्स यानी कि जो टुकड़ी होती है सेना की उनको क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, एंड टू मेक वॉर एंड पीस, वो लड़ाई कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं अपना ट्रेड वगैरह बढ़ाने के लिए, और पीस यानी कि शांति भी स्थापित कर सकते हैं, एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड द क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जो कब्जा, जिस एरिया पर उनका कब्जा हो गया है, जिस एरिया पर उनका अधिकार है, तो कंपनी उस एरिया में कुछ ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक अधिकार, यानी कि वो सिविल और कमर्शियल जजमेंट दे सकती हैं। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम द कॉलोसल विक्ट्री एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ऑन प्राइवेट वेल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस आर्मी वॉज एबल टू एसर्ट इट्स इंसर्ट इंटरेस्ट इन द कार्नेटिक रीजन फ्रॉम इट्स बेस इन मद्रास एंड इन बंगाल एंड कैलकटा विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर। अब क्या होता है, जो कंपनी है फ्रेश फ्रॉम अ कॉलोसल विक्ट्री,
यानी कि इसको अभी अभी क्या मिली है, जीत मिली है। एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स प्राइवेट वेल डिसिप्लिन, एक तो इसका क्या है, इसका खुद का प्राइवेट खुद का है वेल डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस्ड आर्मी इसके पास थी, तो इस वजह से ये कार्नेटिक रीजन में, कार्नेटिक रीजन जो मैड्रास था, बेंगोल था, कैलकटा था, इन रीजन के अंदर वो क्या कर सकी, अपना कब्जा जमा सकी विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी परेशानी के फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर, यानी कि दूसरा जो कॉलोनियल पावर्स थी, जिस तरह की ये अदर कॉलोनियल पावर्स थी, इनसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, इसको कार्नेटिक रीजन में अपना अपना पैर जमाने के लिए, अपना राइट या अपना कंट्रोल जमाने के लिए। इन 1689 अ मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सिदी याकूब अटैक्ड बॉम्बे। एक क्या होता है मुगल फ्लीट, यानी कि मुगल जो एक टुकड़ी थी उसने, जिसके कमांडेड बाय, उसका कमांड किसने किया था, सिदी याकूब ने, उसने बॉम्बे पर अटैक कर दिया। आफ्टर अ ईयर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, सरेंडर्ड इन 1690 एंड द कंपनी सेंड द इनोवेस टू औरंगजेब टू कैम्प टू प्लीड फॉर अ पार्डन। अब क्या होता है कि कंपनी ने आफ्टर अ ईयर ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विरोध करने के बाद, रेजिस्ट करना, यानी कि उसका विरोध करने के बाद में कंपनी ने सरेंडर कर दिया 1690 में। एंड द कंपनी सेंड इनोवेस टू औरंगजेब्स कैंप, और औरंगजेब के कैंप में एक लेटर भेजा टू प्लीट फॉर अ पार्डन, यानी कि क्षमा मांगने के लिए, भाई वो क्षमा मांग रहे, सॉरी मांग रहे। द कंपनीज इनोवेस हैड टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स बिफोर द एम्परर, पे अ लार्ज इंडिमेंटी एंड प्रॉमिस बेटर बिहेवियर इन द फ्यूचर। अब कंपनी का जो लेटर था उसमें ये लिखा था कि वो उसके अंदर अपना इंडिमेंटी, यानी कि अपना जो शोक है, अपना जो दुख है वो जाहिर कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वो अच्छा बिहेव करेंगे। द एम्परर विड्रू हिज ट्रूप एंड कंपनी सब्सिक्वेंटली रिस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन बॉम्बे। अब बॉम्बे से क्या करते हैं, एम्परर ने अपना जो ट्रूप है, अपनी जो सैन्य की टुकड़ी है, उसको हटा लिया और वापस रिस्टैब्लिश कर लिया कंपनी ने अपना वहाँ पर पावर, एंड सेटअप ए न्यू बेस इन कैलकटा, और कैलकटा में भी न्यू बेस सेटअप कर लिया। तो इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज को, जो अपनी ऑब्स्टेकल्स थी उनको कैसे हटाया और कैसे उसने मुगल एम्परर से आलियंस, यानी कि संधि सेटअप करके अपने पैर जमाए थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। टिल देन बाय बाय।